फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। आज का विषय बच्चों के लिए, वो बच्चे खासकर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के बच्चे। आप जानते हैं डॉक्टर्स को बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती है, याद रखनी होती है, ठीक है, और हम लोग ये कैसे करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे निकाल पाते हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी भी निकालना हो तो उसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कैपेबिलिटी, आईक्यू, याद रखने की क्षमता, वो है, वो बदली नहीं जा सकती, वो जेनेटिकली डिटरमिंड है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी दी हुई है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन दो बेहद महत्वपूर्ण चीजें बदली जा सकती हैं, जिसकी वजह से नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चा भी पीछे हो सकता है और जिसमें कम प्रतिभा या कम याददाश्त या कम एनालिसिस की कैपेबिलिटी है वो भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये दो चीजों में पहला है जुनून, पैशन और किलिंग इंस्टिंक्ट। इसको मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए ये बेहद जरूरी है। और दूसरा है राइट स्ट्रैटेजी टू स्टडी, सही योजना पढ़ाई करने की। तो इन दोनों बातों पर हम बात करते हैं। दोनों ही बातें हमें सब, हम में से अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन पढ़ते समय या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने की तैयारी करते समय हम इतने इन दोनों कॉन्सेप्ट से सेंसिटाइज नहीं होते, तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन नहीं करते, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आपको कोई नई बात तो नहीं बताएगा शायद, लेकिन आपको सेंसिटाइज करेगा, ठीक है। या आप अपने बच्चों को दिखाने वाले हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो आपको भी इस रूप में हेल्प करेगा। देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं काफी खराब परिस्थितियों से निकल के डॉक्टर बना, फिर एम्स तक पहुंचा। उसकी वजह यह है कि यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल रहे हैं, यदि आप अपने दिमाग में कोई दूसरा ऑप्शन रखेंगे अपने लिए, तो आप उस जोन से नहीं पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह सोचना होगा मुझे इसी अटेम्प्ट में हर हालत में ये निकालना है। ये आपने दूसरा ऑप्शन रखा कि अब मुझे फॉर एग्जाम्पल पीएमटी देनी है या आईआईटी का एग्जाम निकालना है, चलो आईआईटी नहीं निकला तो मैं फिर ये कर लूंगा या वो कर लूंगा। नो, यदि आपका मन है इस प्रोफेशन में, किस जो भी प्रोफेशन आपने चूज किया, वेदर आईआईटी, पीएमटी, नीट या आईएएस, व्हाटएवर, उसको दूसरा ऑप्शन दिमाग में रख के तैयारी मत कीजिए। दूसरा ऑप्शन तब आप सोचेंगे यदि आप सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल नहीं हुए, फिर वो फिलोसॉफिकल थॉट से उस दुख को आप कम करके, उसे ओवरकम करके नया रास्ता ढूंढ सकते हैं बाद में। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यदि फेलियर हो जाए, किसी भी कभी असफलता मिल जाए तो क्या करें। लेकिन असफलता का विचार नहीं लाना है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरे जुनून से, किलिंग इंस्टिंक्ट से, एक जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, जो जब फुटबॉलर्स जब गोल करने के लिए बिल्कुल फाइट कर रहे होते हैं, या एक फास्ट बॉलर जब बहुत तेज बॉल करके और जब विकेट लेके बिल्कुल खुशी में पागल हो जाता है, वो जो जुनून कि मुझे निकालना ही है, ये एग्जाम मेरा है, ये जुनून भीतर से प्रोड्यूस होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, यदि किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो इसको प्रोड्यूस करो। दूसरा, स्ट्रैटेजी, बुक्स याद रखने की, बड़ी बड़ी बुक्स याद रखनी, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। आईएएस में, आईटी वगैरह में भी इस तरह, ये तो बहुत छोटी बुक है, इससे कई गुना साइज की बुक, पूरी की पूरी, पेज टू पेज हम लोगों को याद रखनी पड़ती है और याद रखते हैं, तब जाके बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलते हैं, एमडीएमएस, डीएम, एमसीएच या आईएएस या आईटी, इस तरह के, ठीक है, एम्स एंट्रेंस, नीट, कैट, ये सब। तो आप, मैंने ये देखा है, मेरे साथी स्टूडेंट्स भी, जो डॉक्टर्स जो जब मेरे साथ प्रिपेयर करते थे, कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, या क्यों ऐसा होता है बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी। देखिए, बहुत सारे लोग फर्स्ट पढ़ने से लेके लास्ट पढ़ने तक बुक को पढ़ते हैं और हर बार पढ़ते हैं, ठीक है। आपको एक तो एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना है,
क्वेश्चंस को रिट्रोगेट सॉल्व करिए, या एक बार पूरी बुक आप कोर्स की पढ़ चुके होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ते हैं उसके पहले की क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट या स्कूल जो भी है वो पढ़ चुके हैं वो बुक, अब उसको पूरा का पूरा अलग से मत पढ़िए। बेटर है उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं 10 साल के, 15 साल के, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनकी प्रिपरेशंस करना शुरू कीजिए, और उसके बहाने पूरी बुक बुक पूरी ही पढ़नी है, लेकिन उसके बहाने होना चाहिए कि उसमें जैसे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन 4 ऑब्जेक्टिव्स के डिटेल्स पता होना चाहिए। एक दूसरी चीज, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग, या कोई बुक क्वेश्चंस की सॉल्व कर रहे हैं या एक बुक पढ़ रहे हैं, तो एक बार जब आप पढ़ चुके हैं तो दूसरी बार पूरा नहीं पढ़ना है। यदि आप दूसरी बार भी पूरा रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा बड़े कोर्सेस में क्रैक करने के लिए। उसका बेहतर तरीका यह है कि आप पहली बार में जब पढ़ रहे हैं तब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बड़ी इजी लगती हैं, या आपको याद रहती हैं, या कुछ क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं इजीली। यदि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं आप किसी गाइड में तो वो क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। जो चीजें आपको बनती है ना ह्यूमन ब्रेन में, उसके ट्रैक्स ऑलरेडी है आपकी परमानेंट मेमोरी ट्रैक, वो आपको हमेशा बनेगी। तो इसलिए नेक्स्ट रिविजन में भी यदि आप उसको पढ़ेंगे दोबारा तो आपको कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलेगा। दूसरे रिवीजन में आपको उन चीजों को पढ़ना है जो आपसे नहीं बनती थी, तो उसका तरीका क्या होगा, वही कि पहले रिवीजन में, पहली बार में जब आप पढ़ रहे हैं तो जो चीजें नहीं बनती हैं, स्लाइट डाउट भी है या आपको बिल्कुल ही नहीं बना या थोड़ा बना, डाउट के साथ बना, कंफ्यूजन के साथ बना, उसको मार्क करते जाइए, ठीक है, उस क्वेश्चन को या उस लाइन को, उस पैरा को। और जब दूसरी बार जब बुक को लेंगे तो सिर्फ उन हिस्सों को पढ़िए जहां पर आपने मार्क किया है, ठीक है। इससे यह होगा कि अब तीसरा रिवीजन जब आप कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ दिन बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट इसी तरह से पढ़ेंगे आप, फिर कुछ दिन के बाद जब तीसरा रिवीजन करेंगे तो तीसरे रिवीजन में पहली बार के बिल्कुल इजी वाला पार्ट और दूसरी बार का कठिन पार्ट, जो कि दोबारा पढ़ने की वजह से अब आपको इजी लगेगा, और तीसरे रिवीजन के पूरा होने तक जब पूरी बुक आप फिर से करेंगे, एक तो रैपिडली रिवाइज हो जाएगी वो बुक, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ ईजी हो गया, फिर भी कुछ बातें हल्की फुल्की सी बच जाएंगी जो आपसे नहीं बन रही होगी, ठीक है, तो उनको भी मार्क करते जाइए। और कुछ दिनों के गैप के बाद फिर कोई सब्जेक्ट इसी तरह से उठाइए, इसी मेथड से, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सिर्फ उतना सा हिस्सा दोबारा पढ़ लीजिए जो आपने मार्क किया। तो कुल मिला के आप एक बड़ी बुक को छोटा 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 बनाते जाएंगे 3 से 4 रिविजन में, या आपकी मेमोरी की कैपेबिलिटी जो भी हो। कुछ लोग एक बार में भी बुक पूरी याद रख सकते हैं, कुछ लोग 2 बार में रख सकते हैं, कुछ लोग 3 बार में, 4 बार में, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 से 4 रिविजन्स एक बहुत अच्छी तैयारी के लिए होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकांश को पता है, लेकिन पता होना और उसको एग्जीक्यूट करने में फर्क है। पता होते हुए भी बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। तो ये बुक मैंने जैसे पढ़ ली, अब मुझे ये यहाँ मैंने मार्क किया एक दो लाइन, और मुझे इस पूरे पन्ने में 2 लाइन पढ़ने की जरूरत होगी, ठीक है, और वो 2 लाइन पढ़ने के बाद मुझे ये चैप्टर या ये पेज पूरा का पूरा याद है, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकूंगा। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी किताबें याद रखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारियों में जुट जाइए, और पैशन के साथ आपको विनर बनना है। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं।